नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। भाजपा में बागियों की अब कोई वापसी नहीं होगी। चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वालों के चुनाव के बाद वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं। भाजपा परिवार पर आधारित पार्टी नहीं है, यह बात भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। खन्ना ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ने परिवारवाद को पीछे छोड़कर पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा ट्रेंड था कि एक चुनाव में बागियों को बाहर निकाला जाता था, दूसरे में ले लिया जाता था। जिन्हें अब निकाला गया है तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि बीजेपी ने कोरोना के समय मानव धर्म निभाया है। कोरोना टीकाकरण में प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। प्रतिभा सिंह ने इसके लिए माफी मांगी है और आगे भी लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि दो बार MP बनने के बाद भी लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने यह टोपी बाजार से नहीं खरीदी है, बल्कि देश की सेवा के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब सपने में भी बीजेपी का फौजी प्रत्याशी ही नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं इस राज्यों में और हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर हम लोग बाई इलेक्शन में आए हैं और इस प्रदेश का विकास नहीं रुके। इस प्रदेश में अगर कोरोना आया उसमें हम किस तरह लड़े और किस तरह जनता को हमने सहयोग दिया उसके बारे में यहाँ बात। मैंने डिटेल में बता दिया ना कि जो लोगों को हमने पार्टी में, पहली बात हमारे संविधान में लिखा है कि अगर कोई बंदा ओपनली प्रेस में जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं। पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ता है उसको पार्टी से निकाल सकते हैं। तो पीछे जहाँ ट्रेंड रहा है कि एक चुनाव में निकाला दूसरे में ले लिया, अब ऐसा नहीं होगा। जिसको पार्टी से निकाल दिया है वो तो मान के चले फॉर एवर उसको हमने पार्टी से निकाल दिया। दूसरी बात कि टिकट का वेस क्या रहता है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं। हम लोग एक प्रक्रिया के तहत इन टिकटों को बांटते हैं। वो क्या है, मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रदेश, प्रदेश के बाद से ऊपर हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, इलेक्शन कमेटी है, वो निर्णय लेती है। जरूरी नहीं कि जो हमने नाम भेजा उसका ही निर्णय ले, पार्टी अपने हिसाब से भी डिसाइड करती है। और जो डिसीजन हुए हैं सारे कार्यकर्ता उन डिसीजन को लेकर लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं, उनको जिताने के लिए अपील कर रहे हैं और 4 की 4 सीटें हम जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज़।